कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। अपन कोलाइट के बारे में चर्चा कर रहे थे। कोलाइट के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस पढ़ भी लिए हैं। शुरू में मैंने आपका आपको कहा था कि कोलाइट काफी लंबा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो इस पर बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं। कोलाइट पर ही आज का अपना जो टॉपिक है, आज का जो अपना वीडियो है, वो कोलाइट के गुणों से संबंधित है। कोलाइट के कौन कौन से कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होगा कैरेक्टर्स ऑफ द कोलाइट। कोलाइट के क्या क्या गुण होते हैं, देखिए अधिकांश जो गुण है अपन वही पढ़ेंगे जो आपके पहले पढ़े हुए हैं। अब तक के वीडियोस में आपने जो पढ़ लिया है, ज्यादातर अपन वही चीजें पढ़ेंगे। देख, नंबर एक, अस्थिरता, या आप कह सकते हैं अस्थायित्व। द्रव विरागी कोलाइड अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं, पढ़ा हुआ है आपका। द्रव विरागी कोलाइडों का एक गुण है, ये केवल रागी कोलाइड होते हैं वो तो स्थायी होते हैं। द्रव विरागी कोलाइडों का एक गुण होता है कि द्रव विरागी कोलाइड अस्थायी होते हैं, क्योंकि परावस्था और माध्यम के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, वहां पर दोनों एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जो कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं। नंबर दो, विषमांगी प्रकृति। देखिए ये समांगी और विषमांगी क्या होता है, ये डिपेंड करता है कणों की साइज पर। कणों की साइज अगर किसी मिश्रण में बहुत ज्यादा छोटी होती है तो उस मिश्रण को अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे विलयन, विलयन के कणों की साइज कितनी होती है, या पहले ही पढ़ चुके हैं, 10^-7 सेंटीमीटर से कम व्यास वाले कण होते हैं, उनको अपन विलयन ने विलयन की कैटेगरी में रखा था। तो विषमांगी प्रकृति जो कोलाइड के कणों की साइज होती है, देखिए समांगी और विषमांगी डिपेंड करता है कणों की साइज पर। अगर कणों की साइज बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब आप यही मान सकते हैं कि 10^-7 सेंटीमीटर व्यास से कम व्यास वाले जो कण है उनको आप ये कह सकते हैं कि उनको हम समांगी प्रकृति में रखते हैं, और बाकी के उससे बड़ी साइज के उनको विषमांगी प्रकृति। तो कोलाइड कणों की साइज जो है विलयन वालों से बड़ी थी, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है। नंबर तीन, सतही क्षेत्रफल। कोलोइड के कणों की साइज कितनी होती है आप पढ़ चुके हैं, इतनी छोटी होती है कि नग्न आंखों से तो उनको देखना ही पॉसिबल नहीं होता, इतनी छोटी साइज के होते हैं कोलोइड के। तो छोटी साइज के होंगे तो सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, पहले भी पढ़ा है अपने अधिशोषण में भी पढ़ा है कि आप किसी पदार्थ को अगर जितना ज्यादा काटोगे, जितने ज्यादा छोटे टुकड़ों में विभाजित करोगे, उसकी सतह का क्षेत्रफल है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो जो कोलाइडी कण है उनकी साइज इतनी ज्यादा छोटी होती है कि उनका सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, और जिनमें सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है वो ध्यान रखिए बढ़िया अधिशोषक होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं, और जो अच्छे अधिशोषक होते हैं वो अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं, यानी कोलोइड बढ़िया अधिशोषक भी होते हैं और बढ़िया उत्प्रेरक भी होते हैं। नेक्स्ट अगला गुण है कलर। कोलोइड्स के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, सभी कोलोइड का सेम कलर नहीं होता है, सबके अलग अलग कलर किस पर डिपेंड करते हैं, प्रावस्था के कणों की साइज पर। प्रावस्था के कणों की जो साइज होती है 10^-7 से लेकर के 10^-4 सेंटीमीटर तक। तो जैसे किसी की कण 10^-7 सेंटीमीटर है, किसी की मान लीजिए 10^-6 सेंटीमीटर है, अलग अलग कणों की साइज हो सकती है भाई, 4 से लेकर के 7 के बीच में तो किसी भी साइज के कण ले सकते हैं ना अपन। तो जैसे जैसे आप कणों की साइज चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका जो कलर होता है वो तय होता है, यानी जो कलर है वो किसके द्वारा निर्धारित होगा, कणों की साइज के द्वारा निर्धारित होता है। होता क्यों है कलर, जैसे अपने पास में कोई कोलोइड है, ये कोलोइड में कोलोइडी कण है यानी परावस्था के कण है। अब जैसे ही इन पर प्रकाश गिरेगा, समझ गए, यहां पर अपन दो चीजें पढ़ सकते हैं एक साथ ही, टिंडल प्रभाव, ये भी आप यहां पर एक साथ ही देख सकते हैं। अगला गुण अपन पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है, वैसे आपको मैंने बताया था पहले, अब अपन यहां पर इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए ये कोलाइडी कण है और इन कोलाइडी कणों पर ये प्रकाश की किरणें गिर रही है। अब कोलाइडी कणों की साइज इतनी होती है कि उस पर प्रकाश की किरण जैसे ही गिरेगी तो कोलाइडी कण क्या करेगा, उस प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कर देगा, यानी उसको चारों तरफ फैला देगा। जैसे ये प्रकाश की किरण आकर के इस कोलाइडी कण पर गिरेगी, ये मान लीजिए कोलाइडी कण है
और ये प्रकाश की किरण आकर के इस पर गिर रही है, तो ये कोलोइडी कण क्या करेगा, इसको चारों तरफ फैला देगा इस तरह से। ये प्रकाश की किरण का क्या हो गया है, प्रकीर्णन हो गया। और यहां पर जिस कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, प्रकाश अपन जानते हैं सात रंगों का मिश्रण होता है, तो उनमें से जिस कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा वही कलर अपने को दिखाई देता है। जैसे आकाश का अपने को नीला कलर दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में जो कोलोइडी कण है वो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करते हैं। अब नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है तो आकाश अपने को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यानी यहां पर जिस कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होगा ना वैसा ही अपने को कोलाइड दिखाई देगा। यानी जो कलर है वो किस पर डिपेंड करेगा कि कौन से कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और कौन से कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो ये डिपेंड करता है कणों की साइज पर। किसी कण की साइज मान लीजिए छोटी है तो वो किसी अलग प्रकार का जो कलर है उसको ज्यादा प्रकीर्णित करेगा। किसी कण की साइज अगर उससे डिफरेंट है तो वो अलग रंग की जो प्रकाश है उसको ज्यादा प्रकीर्णित करेगा। जैसे इसको भी अपन एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में सिल्वर का सोल है, एजी सोल। अब एजी सोल का कलर क्या होगा ये डिपेंड करेगा एजी सोल के कणों की साइज पर। मान लीजिए सिल्वर के मेरे पास में दो सोल है और दोनों के कणों की साइज अलग अलग है तो दोनों का कलर भी अलग अलग होगा। मान लीजिए अपने पास में जो सिल्वर का पहला सोल उसमें कणों की साइज है 6×10^-5। पहला जो सोल है उसमें कणों की साइज हमने कितनी मानी है, 6×10^-5। तो इसका जो कलर है वो सालू कलर का होता है, मतलब थोड़ा सा लाल लाल कलर जो होता है उस कलर का ये अपने को दिखाई देगा। अगर कणों की साइज 6×10^-5 होगी तभी क्यों। अब अगर इन्हीं कणों की साइज मान लीजिए 9×10^-5 है, सिल्वर के अपने पास में दो कोलोइड थे, दोनों के कणों की साइज देखो अलग अलग है तो दोनों का कलर भी अलग अलग होगा। एक में कणों की साइज 6×10^-5 mm में है, अगर इतनी है तो उसका जो कलर है वो अपने को कैसा दिखाई देगा, सालू कलर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हल्का सा लाल कलर का वो दिखाई देगा। दूसरे में जो कणों की साइज है वो है 9×10^-5, कणों की साइज बड़ी हो गई तो इसका जो कलर है, क्योंकि ये कणों की साइज बड़ी हो गई तो ये जो सिल्वर के कण है ये दूसरे कलर को प्रकीर्णित करेंगे, अलग प्रकाश को क्या करेंगे, प्रकीर्णित करेंगे, और इसका जो कलर है वो होगा पीला नारंगी, क्योंकि ये पीले नारंगी को ज्यादा प्रकीर्णित करेगा और ये सालू कलर को ज्यादा प्रकीर्णित करेगा। जो जिस कलर को ज्यादा प्रकीर्णित करेगा वो वैसा ही अपने को दिखाई देगा। तो एक गुणित कोलोइड्स का ये हो गया कि कोलोइड्स होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं और अलग अलग कलर से वो कणों की जो साइज होती है उस पर डिपेंड करता है। फिर अगला करेक्टर आ गया इनका टिंडल प्रभाव। क्या होता है ये आप जानते हैं, प्रकाश का रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर कोलोइड में से प्रकाश गुजरेगा तो उसका रास्ता अपने को दिखाई देता है, शो होता है, उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम पर, जैसे अपने रूम में अगर कोई रोशनदान है जाली वाला, जो सीमेंट की जाली होती है जिनमें इस तरह से छेद होते हैं, इस तरह की सीमेंट की जाली वाला अगर कोई रोशनदान लगा हुआ है तो उसमें सुबह के टाइम पर जब घर वाले साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि उसमें से अपने को प्रकाश की किरण आकर के ऐसी गिरती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उसमें बीच बीच में वो मिट्टी के दाने उठते हुए भी अपने को दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव ही होता है, ध्यान रखिए। वो रोशनदान से लेकर के और यहां तक आपको प्रकाश सीधा आता हुआ दिख रहा है, देखिए इतनी दूर में प्रकाश आ रहा है, दिखाई देता है उस समय आपको, प्रकाश का रास्ता दिख रहा होता है, उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी प्रकाश का रास्ता दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इसका कारण भी यही है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश के, जो प्रकाश की किरण है उसको क्या करेंगे, प्रकीर्णित करेंगे, और प्रकीर्णित करेंगे तो वो अपने को उसका जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, वो अपने को क्या होगा, दिखाई देगा। और ये जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का जो प्रकीर्णन है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा पर डिपेंड करता है कि कौन से कलर का कितना ज्यादा प्रकीर्णन होगा, वो उस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उस पर डिपेंड करता है। किसी प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रकीर्णन होता है
वो उसकी चौथी घात के क्या होता है, युद्ध क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोलोइड्स का एक गुण हो गया टिंडल, कोलोइड टिंडल प्रभाव शो करते हैं, इसके अलावा कोलोइड्स होते हैं ये ब्राउनी गति शो करते हैं, ये भी आपने देखा है, जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति होती है उसको अपन ब्राउनी गति कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी इसलिए इसको अपन ब्राउनी गति कहते हैं। तो जो टेढ़ी मेढ़ी खोज इस तरह की जो गति होती है ये ब्राउनी गति, कोलोइडी कण होते हैं वो हमेशा कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, कोलोइडी कण हमेशा गतिमान रहते हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, हमेशा इस तरह से सीधी रेखा में गति करते रहते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोलोइडी कण ब्राउनी गति शो करते हैं। कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, कोई भी कोलोइड हो उसमें जो कोलोइडी कण होता है यानी प्रावस्था का कण वो हमेशा आवेशित होता है, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो लेकिन उस पर आवेश जरूर होता है। वो आवेश कहां से आता है इसके बारे में अपन अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे कि कोलोइडी कणों पर आवेश आया कहां से, उसके बारे में अपन अलग एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी कोलोइड्स होते हैं वो सभी आवेशित होते हैं, चाहे कैसा भी कोलोइड। ये जैसे मान लीजिए कोई कोलोइड है तो इसके जो कण है वो धनावेशित है, ये कोलोइड कण है उन पर प्लस चार्ज, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जितने भी कोलोइड होते हैं उनके जो कोलोइड कण होते हैं यानी प्रावस्था के कण वो सभी आवेशित होते हैं, उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा चार्ज जरूर होता है। स्कंदन, स्कंदन के बारे में मैंने आपको एक दिन बताया था, स्कंदन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको एक दिन थोड़ा सा बताया था, स्कंदन क्या होता है, कोलोइडी कणों का पैंदे में जमा होना स्कंदन कहलाता है। ये जैसे अपने पास में कोई कोलोइड है और इसके ये जो धनावेशित कोलोइडी कण है प्रावस्था के कण है, अगर ये सारे आकर के नीचे पैंदे में जम जाए तो उसी को अपन कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण, स्कंदन या अवक्षेपण। और ये होता कैसे है, अगर बाहर से विद्युत अपघटन मिला दे तो होता है, इसमें मैं बाहर से क्या मिला दूं, विद्युत अपघटन, जैसे मान लो मैंने NaCl विद्युत अपघटन मिलाया, तो NaCl विद्युत अपघटन मिलाने से ये सारे धनावेशित कण ये नीचे जम जाएंगे। क्यों जम जाते हैं इसका भी कारण समझिए आप, NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस जितने भी है ये सारे धनावेशित कणों को उदासीन कर देंगे, और कोलोइडी कण जब तक उदासीन नहीं होता है तब तक इसमें गुड़ावा रहेगा, जब तक आवेशित है तब तक गुड़ावा, जैसे ही उदासीन हो गया पैंदे में जम जाएगा, तो जो Cl- है वो इनको उदासीन करेंगे और उदासीन करते ये नीचे आ जाएंगे। अगर आप उस इस कोलोइड में NaCl मिला रहे हैं तो इसका जो Na+ है, NaCl का जो Na+ है वो कोलोइडी कणों का जो माइनस चार्ज है ऋणावेशित है उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और उदासीन करते ही वो नीचे पैंदे में जमा हो जाएगा। यानी कोलोइडी कण सारे आवेशित होते हैं, आवेशित प्लस इनका कोलाइड का स्कंदन किया जा सकता है, समझ गए। स्कंदन करने के अपने पास में दो तीन तरीके होते हैं, जैसे विद्युत अपघटन मिला सकते हैं, विद्युत अपघटन से हो सकते हैं, या दो अपोजिट कोलोइड मिला सकते हैं, जैसे धनावेशित और ऋणावेशित दोनों कोलोइड एक जगह मिला दें तो इनका जैसे पॉजिटिव और उसका नेगेटिव अपने आप ही उदासीन हो जाएगा, या फिर विद्युत कण संचलन के द्वारा भी हम उसको उदासीन कर सकते हैं, ये भी कोलोइड का एक गुण होता है विद्युत कण संचलन। स्कंदन करने के अपने पास में देखिए अलग अलग तरीके हैं, स्कंदन आप कर सकते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा या विपरीत आवेशित जो कोलाइड होते हैं उनको एक जगह मिला करके कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं विद्युत कण संचलन के द्वारा। विद्युत कण संचलन क्या होता है, कोलोइड का अगला गुण अपन ये ले लेते हैं, कोलोइड में विद्युत कण संचलन का गुण पाया जाता है, जितने भी कोलोइड्स होते हैं उनमें सभी में विद्युत कण संचलन का गुण पाया जाता है। स्कंदन इसके अलावा अपन जो अपोहन प्रक्रिया की थी उसमें भी ध्यान रखिए एक तरह से स्कंदन ही हुआ था, शुद्धिकरण की जितनी भी प्रक्रिया की, क्योंकि उसमें अपने पास में जो पार्चमेंट की झिल्ली थी उसमें कोलोइडी कण ही बचे थे, बाकी का सारा मैटर बाहर निकल गया था, तो कोलोइडी कणों का अलग होना या नीचे जमना एक जगह एकत्रित होना ये स्कंदन होता है, यानी अपोहन के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं। अब देखिए ये विद्युत कण संचलन क्या होता है, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है,
विद्युत के प्रभाव में कोलोइडी कणों का संचलन, संचलन का मतलब गमन होना, क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। इसके लिए अपने को करना क्या होता है, ये अपने पास में एक यू शेप की नली है, इसमें नीचे ये रोधनी लगी हुई होती है, इसमें अपने जो भी अपना कोलाइड है वो कोलाइड भर देंगे। ये मान लीजिए मैंने यहां तक इसमें कोलोइड भरा है, आप ये मान लीजिए कि ये मैंने यहां तक इसमें क्या भरा है, कोलोइड भर दिया इतनी दूर में, बाकी का जो बच गया उसमें आप पानी भर दीजिए, ठीक है। इसमें दोनों तरफ यहां पर एक एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, ये एक इलेक्ट्रोड यहां लगा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रोड यहां लगा हुआ, तो दोनों को आप बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ करके जैसे विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, तो विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो ये जैसे आपके दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड विपरीत होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, मतलब एक इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है एक ऋणावेशित होता है। मान लो ये इलेक्ट्रोड धनावेशित है और ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, आपका ये जो कोलोइड है ये कैसा है, कोलोइडी कणों पर भी आवेश तो होता है ना, मान लीजिए ये धनावेशित कोलाइड है, कोलोइडी कणों पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये जितने भी कोलाइडी कण है सारे आकर के इसकी तरफ जमा यहां पर आना चाहेंगे सारे, भाई प्लस है वो माइनस पर ही जाना चाहेगा, और अगर ये कोलोइडी कण ऋणावेशित है तो ये सारे के सारे कहां आना चाहेंगे, इस धनावेशित इलेक्ट्रोड के पास में आना चाहेंगे, और कुछ देर पश्चात आप क्या देखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और मान लीजिए ऋणावेशित कोलाइड था, तो आप थोड़ी देर बाद में ये देखेंगे कि जितना भी कोलाइड था वो सारा आकर के यहां पर बढ़ गया और ये सारा इधर पानी बच गया। इसी प्रक्रिया का नाम होता है विद्युत कण संचलन, समझ गए, विद्युत के प्रभाव में कोलोइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड या आप कह सकते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर गमन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये थे कोलोइड्स के कुछ गुण थे जो लगभग अपने पढ़े हुए थे, कुछ नए गुण अपन ने देख लिए। इसके अलावा एक जो आवेश, ये तो अपने चीज आई है, इस पर अपन एक वीडियो में अलग से देखेंगे कि जो कोलोइडी कण होते हैं उन पर आवेश कहां से आता है, कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होने के दो तीन कारण होते हैं, तो उनको अपन अलग से देखेंगे। उसके साथ ही जो स्कंदन है, यहां पर अपन ने केवल शॉर्ट में जो करेक्टर्स गुण है उनके बारे में पढ़ा है, आवेश कहां से आता है, स्कंदन कैसे होता है, वैसे तो मैंने तीन चार विद्यार्थी आपको यहां पर बता दिए, लेकिन फिर भी स्कंदन और आवेशित इन दोनों को अपने को थोड़ा डिटेल में देखना है, इन दोनों गुणों को, तो इन दोनों पर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो है वो इन्हीं दोनों से संबंधित होगा, यानी इन दोनों के लिए अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे ताकि आप ये समझ सके कि विद्युत कण कोलोइडी कण होते हैं वो विद्युत कण क्यों होते हैं, उन पर आवेश कहां से आता है, उनमें विद्युत आवेश कहां से आया और उनका स्कंदन किस प्रकार से होता है, स्कंदन से संबंधित एक नियम भी है, तो वो नियम वगैरह जितना भी है वो सारा उसके लिए अपन एक अलग वीडियो के द्वारा उसके सारे को पढ़ लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, कोलोइड्स के गुण करेक्टर्स ऑफ द कोलोइड कंप्लीट हुआ, ये दो टॉपिक हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे हैं जिनके बारे में अपन वहां पर थोड़ा और ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।